ऐसे आपको कोई से भी आ सकता है बनाने के लिए, ऐसा जरूरी नहीं है। तो हमको जो है इसकी टैग सीखना है कि हमको किस तरह से सेंटेंस बनाते हैं। जैसे इंग्लिश में आप लोग सेंटेंस फॉर्मेशन पढ़ते हो बराबर है, वैसा का वैसे हिंदी में भी होता है कि सब्जेक्ट पहले आता है, प्रेडिकेट बाद में आता है, बराबर है ना। उसके अंदर आपका मेन चीज क्या रहेगी और क्रिया आएगी, और मेन चीज जो है क्रिया लास्ट में आती है हिंदी में हमेशा। जैसे रहा है, रही है, कर रहा है, जा रहा है, बैठ रहा है, सो रहा है, ये सब लास्ट में आता है। रहा है, रही है, टेंस वगैरह जो होता है वो लास्ट में आता है हमेशा। है हूं, ये सब लास्ट में आता है। जैसे आप इंग्लिश में बीच में लिखते हो ना इज एम आर, ऐसे हिंदी में लास्ट में आता है। तो वो उस हिसाब से जो है आपको, मान लो कर्ता सब्जेक्ट है, अब इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, किसी की जगह का नाम है, किसी की व्यक्ति का नाम है, बराबर है, बॉय गर्ल कोई भी हो सकता है। तो ये जो वो पहले आता है और मेन वस्तु बीच में आती है और लास्ट में जो है उसकी क्रिया आती है। जैसे गुजरात है ना, ये सब्जेक्ट हुआ आपका गुजरात की राजधानी, इसे हम शब्दों से जोड़ देते हैं। गांधीनगर है, गांधीनगर एक ही है इसलिए है आएगा, अगर ज्यादा होता है सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से यहाँ पर लिखा जाता है। अगर यहाँ पे आपका एक वचन है तो यहाँ भी एक वचन होना चाहिए, यहाँ एक वचन है तो यहाँ भी एक वचन होगा। उसी प्रकार से अगर आपका बहुवचन है तो आपका लास्ट में जो है बहुवचन आना चाहिए, चाहे कोई भी टेंस हो, फ्यूचर टेंस हो, पास्ट टेंस हो, कोई भी हो, उसमें आपका यहाँ पर जैसे लड़के जा रहे हैं, बराबर है ना। तो लड़के शब्द प्लूरल है, राइट। तो लड़के अगर प्लूरल आपका आया है तो यहाँ पे भी है आएगा, है नहीं आएगा, लड़के जा रहे हैं, ठीक है। क्रिया आपकी वैसी रहेगी और जो है ये हेल्पिंग वर्ब जिसको बोलते हैं वो लास्ट में आपका बहुवचन में हो जाएगा। उसी तरह से आपको जैसे हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है, मोर एक है ना, मोर का तो मोर ही होता है, मोरे मोरो ऐसा सब नहीं होता है, तो मोर है, मतलब मोर एक के बारे में कहा गया है तो है आएगा, ठीक है। उसके बाद में गांधी जी का जन्म तो अक्टूबर सन में हुआ था, पास्ट टेंस का सेंटेंस है ये, पुराने समय में हुआ था 1869 में, तो यहाँ पे था आ जाएगा। और गांधी जी है तो गांधी जी एक के बारे में कहा है तो यहाँ पे था आ जाएगा, ज्यादा के बारे में होता है तो भी ठीक है। तो उस हिसाब से हमारा राष्ट्रीय पक्षी बाघ है ना, तो राष्ट्रीय पक्षी एक है, बाघ एक है, तो यहाँ पे आएगा। तो ऐसे आपको सेंटेंस फॉर्मेशन आना चाहिए। जैसे हम जा रहे हैं तो हम प्लूरल है, वी आर गोइंग आप लिखते हो ना, तो कोई सब जो है हिंदी में आर हो जाता है, इसके साथ आर का यूज होता है, बराबर है ना। तो इस तरीके से आपको हिंदी में भी वैसे ही होता है, लेकिन इसकी क्रिया जो है ब्लास्ट में, हेल्पिंग वर्ब ब्लास्ट में आती है। हमारा मतलब ज्यादा लोग हैं, है ना, ज्यादा लोगों के बारे में, हमारे देश के बारे में कहा गया है कि हमारे देश का राष्ट्रीय प्राणी बाघ है, तो बाघ एक ही के बारे में कहा गया है, इसलिए हमें है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट एक्सरसाइज देखो, अमित को बिजली का करंट लगाने पर उसे अस्पताल ले जाना पड़ा, ऐसी घटना दोबारा ना घटे इसके लिए आप मतलब प्रिकॉशंस आपको लिखना है, क्या आपने क्या सुझाव देने वाले हैं। मान लो जैसे बिजली का करंट हमको कब लगता है, हमारी जो कोई ना कोई असावधानी होती है तब कोई दुर्घटना घटती है, बराबर है ना। जैसे आपने स्लोगन पढ़ा, बस सावधानी घटी दुर्घटना घटी, है ना, ऐसा लिखा रहता है कहीं जगह पर। तो अगर हम जो है वो अच्छी तरह से कोई भी काम नहीं करेंगे तो कोई भी दुर्घटना हो सकती है। अब जैसे अभी बारिश के समय में आप देखते हो कोई भी स्विच वगैरह आपका घर में स्विच बोर्ड होता है, अगर कहीं खुला कार है या ऐसे भी आपका स्विच बोर्ड है, तो आपको कभी भी जो है गीले पैर से जो है कभी भी उस स्विच बोर्ड को हाथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई भी दुर्घटना हमको करंट भी लग सकता है, कुछ भी हो सकता है, करंट तो लगेगा ही, तो हम चिपक भी सकते हैं या हल्का सा झटका भी आ सकता है, इस तरीके से हो सकता है। अगर तार खुला रहेगा तो आप चिपक ही जाओगे उससे, जैसे हाईवोल्टेज जो है वायर होते हैं रोड पर, तो हम कोई भी चीज कभी नीचे से उठाएं या कुछ भी करें, तार को कभी भी हाथ नहीं लगाना चाहिए, बच्चे खेलते खेलते का कभी किसी चीज को हाथ का हाथ लगा देते, खुला कार तो हमको बिजली का छूने नहीं चाहिए, अगर वो जो है स्विच बोर्ड में लगा हुआ है तो, बराबर, प्रेस कर रहे हैं हम तो गीले हाथ से कभी जो है प्रेस को छूना नहीं चाहिए, कोई भी इलेक्ट्रॉनिकल चीज है अब गीले हाथ से कभी भी उसको हाथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उससे हम जो है बिजली का करंट लग सकता है और कोई भी दुर्घटना हो सकती है। अगर हम चिपक गए और बेहोश होकर गिर गए, घर में कोई नहीं है, तो फिर कुछ भी हो सकता है, इसलिए जो है हमेशा उसके लिए सावधानी रखना चाहिए। तो अमित को बिजली का करंट लगा था तो उसे अस्पताल ले गए, बराबर है ना। तो ऐसी घटना दोबारा ना हो, नहीं हो, कौन कौन से प्रिकॉशन हमको रखना।
दुर्घटना है। हर एक कोई भी दुर्घटना होती है इसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, बराबर है ना। तो हमको उस कारण को समझ के, हमारे घर में भी बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, बराबर है ना, जैसे मिक्सर है, वॉशिंग मशीन है, ये सब चीजें, तो ये सब चीजें कैसे संभाल के उसका उपयोग करना जो है वो हमको आना चाहिए, बराबर है। ऐसे तो हमारी वो चीजें भी है, उससे भी हम यूज कर सकते हैं, बराबर है। लेकिन अगर हमको अपना काम जल्दी करना है, ये करना है, इलेक्ट्रॉनिक चीजें हमारे ज्यादा करते हैं, ये करते हैं, तो ये सब चीजों में जो है हमको ध्यान रखकर काम करना चाहिए। हमें कभी भी, अब इसमें हम क्या क्या लिखेंगे तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, लेकिन आपको इसमें पॉइंट वाइज लिखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क का 2 मार्क का आपको एग्जाम में पूछा जाता है। हमें कभी भी गीले हाथ से स्विच चालू नहीं करना चाहिए। आपके हाथ गीले हैं, भले आपने चप्पल पहन रखी, लेकिन आपके हाथ, आप पानी में कुछ काम करके आ रहे हो, मुक्ति करके आ रहे हो, आप सोचो चलो नहा के आए कि नहीं, लेकिन आपके हाथ गीले हैं, तो आप भी उसको पहले अच्छी तरह से उधर पूछेंगे, सूखे हाथ लगाएंगे तब आपको ये चालू करना है। उसे गीले चप्पल या जूते पहनकर कोई भी मुक्ति का तार नहीं पकड़ना चाहिए। हमारे पैर गीले हैं तो आप बिल्कुल भी अपने हाथ पैर सब कुछ सुखा के जो है फिर आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज को जो है अगर वो कनेक्शन में जुड़ी हुई है तो उसको छूना चाहिए। लाइट के उपकरणों का उपयोग संभल कर करना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिकल अप्लायंसेस जितने भी हैं, जो भी हम यूज करते हैं, हमारे घर में तो बहुत सारी चीजें यूज होती हैं, कपड़े धोने के लिए करते हैं, टीवी देखने के लिए, फिर हम लोग कंप्यूटर ऑन करते हैं, फिर मोबाइल आप हाथ में लगाते हैं, जितनी सारी ये सब चीजें होती हैं वो बिगड़ती हैं या तो या तो फिर हमको नुकसान पहुंचाती हैं, बराबर। तो ये जितनी भी चीजें हैं इनका सबका जो है संभाल के उपयोग करना चाहिए। खुले हुए कोई भी बिजली के तार को छूना नहीं चाहिए। अगर कभी कोई घटना घटती है तो सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, घर का मेन स्विच जो है बंद कर देना चाहिए। मेन स्विच जो हमारे यहाँ मीटर लगा रहता है उसको, करंट लगे हुए व्यक्ति को रबर या लकड़ी की कोई भी चीज से छुड़ाना चाहिए। अगर मान लो कोई शॉक लग गया है किसी को, तो कोई भी लकड़ी की चीज है हमारे पास या कोई भी रबर की चीज है, उससे उसको झटका देके जो है नीचे गिरा देना चाहिए। अगर हम भी उसको छुएंगे तो हमें भी जो है हम भी चिपक जाएंगे, हमें भी करंट लग जाएगा, क्योंकि लकड़ी और रबर है ना, वुड और रबर दो जो है वो इलेक्ट्रिक के जो है गुड कंडक्टर होते हैं। ये साइंस में आपको मैंने पढ़ा होगा शायद, या फिर आप आगे पढ़ोगे, इन पर जो है करंट का कोई असर नहीं होता, इसलिए हमको जो है, जैसे आपने देखा होगा हमारे इलेक्ट्रिक पोल जो हमारे घर के वहां होता है, उसमें जो काम करने वाले आते हैं उनके पास जितने भी उपकरण होते हैं उसमें समझे रबर का पीछे जो है कोटिंग होता है, सब चीजों में लोहे के होते हैं लेकिन रबर का कोटिंग, तो ये सब ये जो है हमारे सब कुछ घटना ना घटे इसलिए वो लोग रबर चप्पल में रबर पहन के आते हैं। तो अगर वो हमने पहनी है लेकिन गीले नहीं होना चाहिए, बराबर, उसके ऊपर कोई असर नहीं। लकड़ी मान लो किसी को करंट लगा है और हमने लकड़ी लेके जो है उसको झटका देके जो उसे गिरा दिया, एक साइड में कर दिया, भले वो बेहोश हो जाएगा लेकिन फिर भी उसको कोई नुकसान नहीं होगा, आपको भी कोई नुकसान नहीं होगा, वो अलग गिर सकता है और हम भी जो है बच सकते हैं, उसको हम हॉस्पिटल ले जाएं या मतलब जो भी दूसरा उसको ये प्रिकॉशन कर सकते हैं। फिर करंट लगे हुए व्यक्ति को रबर और लकड़ी का यूज जो है हम लोग अगर किसी को करंट लगा है तो उसमें कर सकते हैं, तो ये आपको प्रिकॉशन उसमें रखना है। इतना हो गया। फिर कोई भी एक ऐसी दुर्घटना घटी है, कोई भी दुर्घटना हुई है, जैसे छोटी छोटी दुर्घटनाएं बहुत सारी होती है, उसमें हमको मैंने आपको पहले समझाया अभी ये तो बिजली के बारे में है, लेकिन कोई भी ऐसी दुर्घटना घटती है तो हमको उसके बारे में जो है ज्ञान होना चाहिए कि हमको क्या करना है, कौन कौन सी सावधानियां रखनी है। अगर वो सावधानियां अगर हम रखेंगे तो दोबारा हम सचेत हो जाएंगे और फिर दोबारा ऐसा काम, मान लो जैसे गाँव होता है, गाँव में जो है नदियां होती है, छोटे छोटे बच्चे जो है वहां पर खेलते रहते हैं, ये करते रहते हैं, तो कोई भी दुर्घटना घट सकती है, तो हमको जो है उसके लिए प्रिकॉशन रखना चाहिए। घर में मान लो जैसे कभी आग लग जाती है किसी के, आग लग गई है तो कैसे उसके ऊपर काम उठाना, कैसे जो है सबसे पहले नई चीज घर का बंद करोगे, बराबर है ना। आग जो कहीं कभी लगती है तो आपको कोई भी अपनी वस्तु जो है नुकसान नहीं पहुंचा सकती है, या गैस की टंकी हमारे घर में उनको लीकेज होती है तो हमको नई चीज पहले बंद करना चाहिए और सबको इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, गैस की बॉटल जो है बाहर निकाल के रख देना चाहिए। तो इस तरीके से बहुत सारी छोटी छोटी दुर्घटनाएं होती हैं। कोई भी व्यक्ति है जो है वृद्ध व्यक्ति है जा रहा है तो किसी भी बाइक से किसी से टकरा जाता है, ऐसे जो है वो उसको संभाल के अस्पताल पहुंचाना। तो ये छोटे छोटे से चित्र आपको यहाँ पे 4 चित्र जो है इसके अंदर बनाना है, बराबर, जिनसे कि हमको मतलब प्रिकॉशन हमको रखना चाहिए ताकि वो दोबारा दुर्घटनाएं हमेशा सड़क के बाईं तरफ चलना चाहिए।
छोटी छोटी दुर्घटनाएं ना हो, इसके लिए हमको रॉन्ग साइड कभी भी नहीं चलना चाहिए। तो ऐसी छोटी छोटी दुर्घटनाएं जो है हमको देखने को मिलती है बहुत सारी, बराबर। तो उसके चित्र आपको यहाँ पर 1, 2, 3, 4 कोई भी दुर्घटना के 4 चित्र जो है आपको ड्रॉ करना है, या आपके पास कोई वो चित्र बना हुआ तो आप उसको यहाँ पे टेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे मान लो हम कोई चाकू का यूज कर रहे हैं, जैसे ऐसे तो बड़े लोग ही करते हैं हमेशा, मान लो आपको ऐसा लगा कि हम ये चाकू से कोई बच्चे करते हैं ना, इस तरह से हम ये कर सकते हैं, अभी आपकी उंगली कट जाती है, उंगली कट जाती है तो खून निकलने लगता है, तो आपको तुरंत क्या करने का, दुर्घटना के खाली चित्र बनाना है आपको। प्रिकॉशन तो मैं बता रही हूँ अपनी तरफ से आप लोगों के लिए, बराबर है ना, क्योंकि बच्चों के लिए कभी नहीं होता है, कभी आपको ब्लेड रेजर या चाकू कभी आपके हाथ में नहीं देगी, लेकिन बाय चांस आप लोग ऐसा लगता है कि हाँ अपनी पेंसिल छीन सकते हैं उससे, ये कर सकते हैं, तो अगर ऐसा होता है, हो जाता है, ब्लेड से आप पेंसिल छीन रहे हो और आपको हाथ में लग रही है, आपके खून निकल रहा है, ऐसा चित्र भी बना सकते हैं। कोई भी छोटी सी दुर्घटना आपकी होती है उसको भी हम लोग दुर्घटना ही बोलते हैं, उसको इंग्लिश में एक्सीडेंट बोलते हैं। एक्सीडेंट खाली रोड पर होता है वही नहीं होता, घर में भी छोटी छोटी सी दुर्घटनाएं हमारे साथ होती रहती है। जैसे आप लोग चल के जा रहे चल रहे हो और पानी पड़ा हुआ रहता है, घिसक जाते हैं हम लोग घर में, बराबर, तो वो भी हमारी गलती से होता है, इस तरह से नहीं होना चाहिए, तो पूरा जो है वो भी बना सकते हैं यहाँ पे। तो ऐसे छोटे छोटे से चित्र आपको इसमें ड्रॉ है, बराबर। तो ये 4 चित्र आपको इसमें करना है। ये हमारा मौखिक कसौटी जो है खत्म हुआ है। इसके बाद आपका जो है लास्ट वाला जो आएगा लिखित कसौटी है ना, इसके बाद वाली पीडीएफ में आपको पेज नंबर 52 आएगा लिखित कसौटी, और लास्ट में आपको ये वाला ग्रामर आएगी क्रियात्मक कसौटी है ना, दो वीडियो आपके और आएंगे अभी। तो इतना आपको वर्कबुक में ये सब करके रखना है। यहाँ मैंने सी डब्ल्यू दो जगह लिखा है, तो ये दो चीजें CW में लिखना है और ये बाकी सब पूरा का पूरा वर्कबुक में, ठीक है, और OM लर्न करते रहना, बराबर है।